नमः शिवाय। जैसा कि आपको पता है, भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो कभी भी इनकी पूजा की जा सकती है, लेकिन सावन में इनकी पूजा का विशेष महत्व है। और सावन के जो सोमवार होते हैं उनमें इनकी पूजा का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। कहा जाता है कि सावन में इनकी पूजा पाठ करने से भगवान शिव सबकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी भगवान शिव जी की सोमवार व्रत विधि और पूजा कथा। सोमवार व्रत विधि। सोमवार का व्रत आमतौर पर दिन के तीसरे पहर तक चलता है। व्रत में उपवास या पाठ का कोई विशेष महत्व या नियम नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि दिन और रात में एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सोमवार के व्रत तीन प्रकार के होते हैं, सावन सोमवार, सौम्य प्रदोष और सोलह सोमवार। तीनों की पूजा विधि एक ही है। शिव पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। तीनों सोमवार, प्रदोष व्रत और सोलह सोमवार की कथा अलग अलग है, जो कि आगे लिखी गई है। कथा शुरू करने से पहले श्री गणेश जी का पूजन करके, भगवान शंकर और पार्वती का पूजन करके, बिल्व पत्र, जलधारा, दुग्धधारा आदि चढ़ाकर फल फूल नैवेद्य अर्पण चढ़ाएं और कथा के बाद आरती करें। सोमवार व्रत कथा। किसी नगरी में एक बहुत अमीर साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। वह इस बात से बहुत दुखी रहता था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात इसी चिंता में रहता था। वह पुत्र की कामना से प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजन करता था और शाम को शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने दीपक जलाता था। उनकी इस भक्ति को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन करता है। वह इसे बड़ी श्रद्धा से करता है, उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में बोए गए बीजों का फल भोगता है, उसी प्रकार इस संसार में हम अपने कर्मों का फल पाते हैं। पार्वती जी ने बहुत दृढ़ता से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसे किसी भी प्रकार का दुख है तो इसे दूर करना ही होगा, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं और उनके दुख दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मनुष्य तुम्हारी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इनके कोई पुत्र नहीं है, इस कारण ये अत्यंत दुखी रहते हैं। यदि इनके भाग्य में पुत्र नहीं है तो मैं इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन यह इनका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद वह मर जाएगा। इससे ज़्यादा मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। इससे ना तो उसे कोई खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई, लेकिन साहूकार को यह बात पता थी वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसीलिए उसने खुशी जाहिर की और न ही कोई दुख भेद किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की मां ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए पूछा, तो साहूकार कहने लगा कि मैं अब इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने बेटे को पढ़ने के लिए काशी जी भेजूँगा। तब साहूकार ने अपने जीजा यानी बच्चे के मामा को बुलाया और उसे तुरंत सारा धन दिया और कहा, इस बच्चे को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी जाओ ब्राह्मणों को भोजन कराते रहना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उसे एक नगर मिला। उस शहर में राजा की बेटी की शादी हो रही थी और दूसरे राजा का बेटा जो बारात लेकर आया था वह आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि दूल्हे को देखने के बाद लड़की के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न करें। तभी जब उसने सेठ के अति सुंदर पुत्र को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस बालक से द्वार पर दूल्हे का काम करवाया जाए। ऐसा सोचकर दूल्हे के पिता ने लड़के और उसके मामा से बात की तो वे मान गए।
फिर लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर दरवाजे तक ले गए और सारा काम खुशी खुशी पूरा हो गया। तब दूल्हे के पिता ने सोचा कि यह विवाह भी इस लड़के से कर दिया जाए तो क्या हर्ज है। ऐसा सोचकर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो बड़ी कृपा होगी और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। इसीलिए वह मान गया और शादी का काम भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। लेकिन जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपने पल्ले में यह लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, इससे मेरी इससे शादी नहीं हुई है। वह पढ़ने के लिए काशी जी गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया और भारत वापस लौट गई। उधर सेठ जी का बेटा और उसके मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया और लड़का पढ़ाई करने लगा। तब वह बालक 12 वर्ष का हुआ तो उस दिन उसने एक यज्ञ किया था। लड़के अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में मर गया। तब उसके मामा ने आकर उसे सारा मरा हुआ देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि यदि मैं अब रोने लगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने यज्ञ का कार्य शीघ्र ही समाप्त कर दिया। ब्राह्मणों के जाने के बाद वो रोने पीटने लगे। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसकी पीड़ा दूर करें। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक मृत बालक पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह उसी सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती उनकी आयु इतनी ही थी, उन्होंने यह कष्ट भोगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और जीवन दो, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार अनुरोध करने पर शिव जी ने उसे जीवन का वरदान दिया और शिव जी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत चले गए। फिर लड़का और उसके मामा यज्ञ करके और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में ही वह नगर आया जहां उसका विवाह हुआ था। जब उन्होंने वहां आकर यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उन्हें पहचान लिया और उनकी खातिरदारी के लिए उन्हें अपने महल में ले गए और कई दास दासियों के साथ आदरपूर्वक लड़की और दामाद को विदा किया। जब वह अपने नगर के निकट आया तो मामा ने कहा कि मैं सबसे पहले तुम्हारे घर जाकर बताऊंगा। जब लड़के के मामा घर पहुंचे तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने मन्नत मांगी थी कि यदि हमारा बेटा सकुशल लौट आया तो हम खुशी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपनी जान गंवा देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर बताया कि तुम्हारा बेटा आया है तो उसे विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने कसम खाकर कहा कि तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लाया है। तब सेठ जी ने खुशी से उसका स्वागत किया और बड़े सुख से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या इस कथा को पढ़ता या सुनता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है सोमवार व्रत कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। धन्यवाद।